इस वक्त हम खड़े हैं सांबा के रामगढ़ सेक्टर के रंगूर गांव में। यहां बीती रात एक इंसिडेंट पेश आया, यहां पर दो युवकों को किसी अज्ञात लोगों ने गोलीबारी से घायल कर दिया गया। अभी मैं दिखा दूं आपको, ये सड़क पर जो खून के निशान वो सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसपे बीती रात जो दो युवक थे वो इस गाँव के वो घायल हुए हैं और एक हमलावर के घायल होने का भी सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ हम अभी स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उनसे ये पूरा वाकया पूछने की जानकारी हासिल करते हैं कि ये क्या वाकया जो पूरी रात हुआ, क्या हुआ वाकया पूरी रात बीती रात? बीती रात सर ये हुआ, हमारा कल से गांव में एक लड़का मिसिंग था, उसको नौजवान लड़के ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते रात को कोई 12 बजे की बात है तकरीबन, एक गाड़ी आई है चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है और एक बाइक मोटरसाइकिल था, उस पर चार युवक सवार थे और इस गाड़ी में तीन बंदे थे। तो जैसे गाड़ी एंटर, आपको पता अक्सर आजकल नशे की तस्करी चल रही है, तो अननोन नंबर गाड़ी हमारे गांव में जैसे आती है रात के समय हम ढूंढते हैं, क्योंकि एक दिन पहले उस लड़के को थ्रेट किए गए जो लड़का मिसिंग था। तो हमने सोचा क्या पता उससे रिलेटेड कोई बंदे आए होंगे पूछ, जैसे हमने पूछने की कोशिश की उन्होंने धनाधन फायर शुरू कर दी और हमारे लड़कों को जो मौके पर मौजूद थे उनको, दो लड़कों को घायल हो चुके हैं और उनके साथ ही क्रॉस फायरिंग चलते चलते वो उनके लड़के को खुद में वो गोली लग चुकी है, उनके लड़के जो आए थे क्रिमिनल सात बंदे थे। तो यार सर हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये इतने नाके हैं, टाइट सिक्योरिटीज़ हैं कितने, एक कैसे गाड़ी आ गई है, चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है, वो किस वजह से आए, मेन पीछे कौन बंदा है जो, और हमें खतरा है पूरे गाँव को कि आज इनके साथ हुआ कल पता नहीं किसके साथ क्या हुआ, ये पंजाब बन गया है, ये इतनी गुंडागर्दी हो चुकी है कि अब तक इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो लड़का कल से मिसिंग हो उसके बड़े भाई को भी पुलिस उठा के लेगी, और SHO साहब को बोला, SHO साहब ने कोई अब मौके अभी तक नहीं पहुंचा। फिर SP सुरिंदर चौधरी से बात की और उन्होंने मौके पे एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके पुलिस भेजी, सारा कुछ तभी कार्रवाई हुई। और हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, हम अपने केस की इन्वेस्टिगेशन SP सुरिंदर चौधरी से करवाना चाहते हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि अगली दफा ऐसी कोई वारदात ना हो पाए गांव में। गांव में सारे सहमे हुए हैं, बच्चे बूढ़े, मतलब कि डर का माहौल बन चुका, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है, आज दिन तक कभी ऐसी वारदात नहीं हुई। बॉर्डर कितनी दूर है? बॉर्डर इधर से सर हार्डली दो किलोमीटर होगा। हाँ हम बॉर्डर के, तो ये क्या लगता है ये युवक किस मंशा से आए होंगे? ये मंशा सर नशे के चिट्टे के तस्कर हैं और किसी को हिट करने आए होंगे, क्योंकि ये नशा बेचते हैं। इनकी गाड़ी से एक बैग मिला और छोटी छोटी डिब्बियाँ मिली हैं और एक वाइट कलर का मिला हुआ पैकेट मिला है और कैश मिली है। सर ये हम जब पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, कहाँ गए नाकेस? सिविल लोगों के लिए, लोकल लोगों को तंग करने के लिए नाके लगाए जाते हैं, या ये इन गुंडों को, या इनको बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि इनको कहाँ से गाड़ी आ गई, कितने चक चौकी है, कमोर चौकी है, कोलपर चौकी है, ये कहाँ से आ गई? साफ कहना है यहाँ के लोगों का कि एक डर का माहौल जो बना हुआ है और पुलिस के जो विशेष नाके यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए हैं उन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है और पूरी छानबीन करने की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल के लिए अल सेक्शन न्यूज़ के लिए निश्चंद सिंह।